हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक सूर्यवंशी, वेलकम यू ऑल एट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ न्यूरॉन्स क्लासेस वेयर वी सेंड द इम्पल्स ऑफ नॉलेज। सो स्टूडेंट, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने अभी कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 6, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और पिछली वीडियो में हमने इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया था, डिस्कवरी के बारे में हमने इसका पढ़ना स्टार्ट किया कि डीएनए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसे डिस्कवर हुआ। ठीक है, बुक में सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है, बुक में पहले डीएनए का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, देन डिस्कवरी बताई हुई है। बट मैं आपको पहले डीएनए की डिस्कवरी बताऊंगा कि ये कैसे प्रूफ हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, उसके बाद फिर हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ने वाले हैं कि डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, सो आई थिंक आप सभी रेडी हैं। बट लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसके एनालिटिक्स में मैंने देखा था कि 50 से अबव ऑडियंस ऐसी है जिसने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, बट दे आर स्टिल वॉचिंग द वीडियो। सो दिस इज माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन, एंड वॉट एवर योर फीडबैक इज, वॉट एवर योर डाउट्स आर, प्लीज राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। सो आई होप आप सभी अब रेडी होंगे, फटाफट से नोटबुक लेकर बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में एक बार क्विक रिव्यू करते हैं, हमने क्या किया था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ, उन्होंने क्या किया था, ग्रिफिथ ने ये बताया था कि डीएनए ही है जो एक आर टाइप का जो बैक्टीरिया है उसको एस टाइप के बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें ये पता चला कि हाँ वो जो मटेरियल है ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वही है जो आर टाइप से निकलकर एस टाइप में गया और उसको लाइव फॉर्म में उसने कन्वर्ट कर दिया, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया आर टाइप को एस टाइप में। सो ये ग्रिफिथ ने बताया था। नाउ वी आर हैविंग द सेकेंड एविडेंस कि वाई डीएनए इज कॉल्ड द जेनेटिक मटीरियल। सो द सेकेंड डिस्कवरी और द सेकेंड एविडेंस वॉज गिवन बाय अ साइंटिस्ट हर्शे एंड चेज। ये दो साइंटिस्ट थे, एक हर्शे एंड चेज, इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया कि डीएनए को हम जेनेटिक मटीरियल क्यों बोलते हैं। सो लेट स्टार्ट विद द टॉपिक। सो ये जो साइंटिस्ट थे हर्शे एंड जो चेज थे, इनके टाइम पे इन्होंने जो अपना वर्क किया वो किया T2 फेज के ऊपर इन्होंने अपना वर्क किया। अब T2 फेज क्या होता है? T2 फेज है एक बैक्टीरियो फेज। अब आप बोलेंगे कि सर बैक्टीरियो फेज क्या होता है, और मैं बोलूँगा कि बैक्टीरियो फेज तो आपने 11th में पढ़ा हुआ है। सो अगर आपको पता है बैक्टीरियो फेज क्या होता है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो, फिर मैं देखूंगा कि किसने सबसे पहले कमेंट किया था लास्ट में। ठीक है, सो बैक्टीरियो फेज क्या होता है, वैसे तो आपने 11th में पढ़ा है लेकिन मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूं कि बैक्टीरियो फेज क्या होता है। वायरस विच इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। ठीक है, सो जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियो फेज बोलते हैं। तो इन्होंने अपना जो वर्क किया था वो कौन से बैक्टीरियो फेज के ऊपर किया था, T2 फेज के ऊपर किया था। ठीक है, T2 फेज में उन्होंने ये बताया कि जो भाई बैक्टीरियो फेज है, सबसे पहले उस टाइम पर जेनेटिक मटेरियल के बारे में तो पता ही नहीं था, उस टाइम पर जो बेसिक नॉलेज थी वो ये थी कि बैक्टीरियो फेज जो होता है उसमें सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं। बैक्टीरियो फेज इज मेड अप ऑफ 50% इसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, 50% क्या होता है, प्रोटीन होता है, और 50% क्या होता है बेटा, डीएनए होता है। तो इतनी बेसिक नॉलेज थी साइंटिस्ट को कि बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में 50% प्रोटीन है और 50% डीएनए है। फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में और समझा, तो उसके स्ट्रक्चर को समझने के बाद में साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो बैक्टीरियोफेज है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का दिखता है। यानी ये जो भी मैंने मटेरियल अभी तक बनाया है आपके सामने, इतना ये किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है बेटा प्रोटीन का। ठीक है, ये किसका बना हुआ है, प्रोटीन का, जो मैंने अभी ऊपर लिखा था कि ये 50% प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो पार्ट है इसमें, ये वाला जो पार्ट है इसका, ये क्या है, हेड वाला पार्ट है,
है ना। और ये वाला जो पार्ट है इसका, ये टेल फाइबर्स है, टेल फाइबर्स। ओके नेक्स्ट, अब सर 50% डीएनए कहाँ गया? तो जो डीएनए है वो इसके हेड वाले पार्ट में होता है, और ये क्या है इसका, डीएनए है, ठीक है। और डीएनए भी कितना होता है, 50% होता है। तो ये बेसिक चीज़ें उस टाइम पे साइंटिस्ट को पता थी कि बैक्टीरियोफेज 50% प्रोटीन का बना हुआ है और 50% डीएनए का बना हुआ है। ये उसका स्ट्रक्चर होता है कि बेसिक हेड होता है उसमें, हेड के अंदर जो जो इतना भी मैंने येलो कलर से बनाया है वो सारा पार्ट प्रोटीन का होता है और वो 50% प्रोटीन है। उसके अंदर जो मैंने हेड के अंदर बनाया है ये क्या है, डीएनए, जो कि 50% है। तो इतनी चीज़ें साइंटिस्ट को पता थी। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ये देख समझते हैं कि भाई ये इफेक्ट कैसे करता है, कैसे इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियोफेज को। मैंने क्या बोला कि बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं। सो सर कौन सा बैक्टीरिया लिया था उन्होंने? तो हमने कहा कि सर उन्होंने जो बैक्टीरिया लिया था वो बैक्टीरिया लिया था इकोलाई बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया कौन सा है? इकोलाई बैक्टीरिया है। अब इकोलाई बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपने 11th में पढ़ा हुआ होगा, है ना, तो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये क्या है, बैक्टीरिया का डीएनए है, ठीक है, इकोलाई का डीएनए है। और आपके लिए एक और क्वेश्चन आ गया कि इकोलाई की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इकोलाई। सो ये हो गया हमारा बैक्टीरिया। अब उस वायरस की बात करते हैं जो इसको इन्फेक्ट कर रहा था, ठीक है। ये हमारा आ गया बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है, ये बैक्टीरियोफेज अपने टेल फाइबर्स की हेल्प से, अपने टेल फाइबर्स की हेल्प से क्या करता है, इस बैक्टीरिया के सरफेस पे अटैच हो जाता है, ठीक है। और आफ्टर द अटैचमेंट ये क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर क्या कर देगा, इंजेक्ट कर देगा। तो यानी जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ पे आ गया, वो जेनेटिक मटेरियल आ गया यहाँ पर, ठीक है। सो इसने क्या किया, पहले इसके साथ में अटैच हो गया इसके सरफेस पे, और सरफेस पे अटैच होने के बाद उसने अपना जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया के अंदर क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। और ये जो डीएनए है, ये जो बैक्टीरिया का, जो वायरस का जो डीएनए है, ये क्या होगा, ये इसके साथ बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में बेटा क्या हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ठीक है। किसके साथ में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डीएनए आया, यहां से आया बैक्टीरियोफेज से, बैक्टीरिया के अंदर आया, और फिर किसके साथ में इनकॉर्पोरेट हो गया, बैक्टीरियल डीएनए के साथ में इनकॉर्पोरेट हो गया। और बैक्टीरियल डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट होने के बाद वो बैक्टीरिया के अंदर अपनी कॉपीज बनाएगा। और ये तो हो गया आपके बैक्टीरिया का डीएनए, और साथ ही साथ ये यहाँ पे क्या करेगा, अपने डीएनए की भी कॉपी करेगा। ये हो गया बैक्टीरियोफेज का डीएनए। अब ये बैक्टीरियोफेज का जब डीएनए बनेगा तो ये साथ में बाद में क्या करेगा, अपने ऊपर प्रोटीन कोट बना लेगा, है ना। तो इस तरह से ये नए प्रोजेनी बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे। ये क्या बन गए, नए प्रोजेनी बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ये क्या करेगा, उसके बाद जो ये सेल है यहाँ से रप्चर हो जाएगी, और सेल के रप्चर होने के बाद में ये जितने भी बैक्टीरियोफेज बने थे वो सारे क्या होंगे, वो यहाँ से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बैक्टीरियोफेज कहाँ आ गए, बाहर आ गए। और ये बाहर आने के बाद में ये बैक्टीरियोफेज क्या करेंगे, दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। ये नए बैक्टीरियोफेज हो गए, और ये नए बैक्टीरियोफेज क्या करेंगे फिर भाई, दूसरे बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करेंगे। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। ये पूरा चलता है प्रोसेस कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के सरफेस से अटैच हो जाता है, अटैच होने के बाद वो अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देता है, और इंजेक्ट करने के बाद जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और इनकॉर्पोरेट होने के बाद बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन मशीनरी को यूज़ करते हुए वो अपने डीएनए की कॉपी करता है,
और जब उसके डीएनए की कॉपीज होती हैं तो वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और उसी डीएनए के ऊपर बैक्टीरिया का जो प्रोटीन वाला पार्ट था बैक्टीरियोफेज का पूरा उसका स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है और नए प्रोजेनी बैक्टीरियोफेज डेवलप हो जाते हैं। फिर जब ये डेवलप हो जाते हैं ग्रो हो जाते हैं तो ये बैक्टीरियल सेल को रप्चर कर देते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं और खुद बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद ये नए बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करेंगे। तो यही लाइफ साइकिल चलती रहती है। इतनी चीज़ें हमें आज पता है कि ऐसे होती हैं, बट उस टाइम पे ऐसा कुछ भी साइंटिस्ट को नहीं पता था। सो दिस इज़ द बेसिक पॉइंट, दिस इज़ द बेसिक आइडियोलॉजी जो उन्होंने उस टाइम पे यूज़ नहीं की थी, बट आज हमें पता है। ठीक है, अब मैं ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट आपको समझाने वाला हूँ कि हर्शे एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया क्या था और कैसे किया था, क्योंकि उनको पता लगाना था कि भाई ये जो 50% डीएनए है ये जेनेटिक मटेरियल है या फिर 50% जो प्रोटीन है ये जेनेटिक मटेरियल है। तो इसी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए उन्होंने पूरा एक सेटअप डिज़ाइन किया, एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। सो उसको समझते हैं हम एक स्लाइड की हेल्प से। सो अभी मैं स्लाइड को यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ पे स्क्रीन विजिबल हो रही है क्लियर। ये हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट था। एम क्या है एक्सपेरिमेंट का? टू फाइंड इट आउट वेदर द 50% पार्ट ऑफ दैट बैक्टीरियोफेज इज द जेनेटिक मटेरियल, दैट इज बेसिकली प्रोटीन, और द रिमेनिंग 50% पार्ट ऑफ द बैक्टीरियोफेज दैट इज डीएनए, इट इज द जेनेटिक मटेरियल। सो ये क्वेरी उनको सॉल्व करनी थी। अब देखो, कोई भी इन दोनों में आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड था कि वो चीज़ों को ट्रेस कर लें, वो पता करें कि डीएनए कहाँ कहाँ जा रहा है और प्रोटीन कहाँ कहाँ जा रही है। जो नए प्रोजेनी बैक्टीरियोफेज बन रहे हैं वो डीएनए की वजह से बन रहे हैं या प्रोटीन की वजह से बन रहे हैं, ये चीज़ उनको फाइंड इट आउट करनी थी। सो उन्होंने एक साथ में दो एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किए। देखो, ये हमारा बैक्टीरियोफेज है जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये इसका प्रोटीन वाला पार्ट है और उसके अंदर क्या है डीएनए। कौन सा बैक्टीरियोफेज है? टी2 फेज। ठीक है, अब देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इकोलाई बैक्टीरिया लिए। क्या किया उन्होंने? इकोलाई बैक्टीरिया लिए और इन बैक्टीरियोफेज से इन इकोलाई बैक्टीरिया को दो अलग अलग मीडियम में उन्होंने क्या कराया, इन्फेक्ट करा दिया। देखो सबसे पहले क्या किया, एक सेटअप तो उन्होंने यहां तैयार कर दिया और दूसरा सेटअप उन्होंने साइड बाय साइड यहाँ पे तैयार कर दिया। दोनों में डिफरेंस क्यों था, क्या डिफरेंस था? देखो हमें पता है कि जो डीएनए होता है ना आपका, लेट मी चेंज द कलर, जो डीएनए होता है ये हमें पता है कि भाई डीएनए के अंदर क्या होता है, फॉस्फेट होता है। और हमें सेकेंड चीज क्या पता थी, फॉस्फेट वाला हम इधर ले लेते हैं, डीएनए के अंदर क्या होता है, फॉस्फेट होता है। ठीक है, और सेकंड चीज मुझे क्या पता थी, सेकंड जो मुझे पता थी यहां पे वो ये थी कि प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन के अंदर क्या होता है, प्रोटीन के अंदर होता है बेटा सल्फर। तो ये दो चीजें मुझे पता है कि प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है और डीएनए के अंदर क्या होता है, फॉस्फेट होता है। तो उन्होंने इसी चीज को यूज किया, उन्होंने क्या किया, डीएनए को रेडियो एक्टिवली लेबल कर दिया, फॉस्फोरस का आइसोटोप यूज किया यहाँ पे उन्होंने। सो उन्होंने क्या किया, ये वाला जो मीडियम था इसमें ये आपको लिक्विड दिख रहा है, इस लिक्विड में उन्होंने क्या किया, फॉस्फोरस 32 यूज किया। और फॉस्फोरस 32 क्या होता है, फॉस्फोरस 32 आपका होता है बेटा एक आइसोटोप है फॉस्फोरस का। ठीक है, तो P32 क्या है, फॉस्फोरस का आइसोटोप है और ये क्या है, एक रेडियो एक्टिवली लेबल्ड सब्सटेंस है। तो उन्होंने क्या किया, P32 इस वाले मीडियम में लिया क्योंकि उनको डीएनए लेबल करना था। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सल्फर का आइसोटोप लिया और सल्फर का जो आइसोटोप था वो क्या था, S35 का, जो कि रेडियो एक्टिवली लेबल हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों सेपरेट मीडियम में, इधर उन्होंने बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट कराया बैक्टीरिया को, किस मीडियम के अंदर, उस मीडियम के अंदर जहां पर फॉस्फोरस 32 है। और ये जो फॉस्फोरस 32 है ये क्या है, एक आइसोटोप है जो कि रेडियो एक्टिवली उन्होंने लेबल किया हुआ है।
यानी कि अब इस वाले कल्चर में जितने भी बैक्टीरिया ग्रो होंगे, जितने भी इकोलाई बैक्टीरिया ग्रो होंगे, उनके अंदर क्या आ जाएगा बेटा, फॉस्फोरस 32 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, फॉस्फोरस 32 आ गया। और इधर जितने भी बैक्टीरिया ग्रो होंगे उनके अंदर क्या आ जाएगा, उनके अंदर आपका सल्फर 35 आ जाएगा। तो ये वाला फर्स्ट स्टेप हो गया, दैट इनफैक्ट इकोलाई ग्रोन इन मीडियम कंटेनिंग P32, और यहाँ पर इनफैक्ट इकोलाई ग्रोन इन द मीडियम कंटेनिंग S35। सो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सेकेंड स्टेप किया, यानी सबसे पहले तो उन्होंने किसको इन्फेक्ट कराया, बैक्टीरिया को ग्रो कराया। अब जो दोनों ग्रो, जो दोनों हमारे चल रहे हैं साइड बाई साइड, यहाँ पर तो हम DNA को रेडियो एक्टिवली लेबल करते जा रहे हैं, और यहाँ पर हम प्रोटीन को रेडियो एक्टिवली लेबल करते जा रहे हैं। सेकेंड स्टेप में उन्होंने क्या किया, P32 इज टेकन अप इन द फेज DNA विच कंटेन्स P बट नॉट S। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि हमारे पास में जितने भी बैक्टीरियोफेज थे, जब उन्होंने इस इकोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया होगा, तो इस इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, फॉस्फोरस 32, तो वो कहाँ चला गया, बैक्टीरियोफेज के पास में चला गया, क्योंकि बैक्टीरियोफेज ने उन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया है जो बैक्टीरिया हमने P32 मीडियम में ग्रो कराए हैं। तो जब वो बैक्टीरिया फॉस्फोरस 32 वाले मीडियम में ग्रो करेंगे, तो उनके DNA के अंदर क्या आ जाएगा, उन्होंने जितना भी फॉस्फोरस का सोर्स यूज़ किया है, वो सारा फॉस्फोरस का यूज़ कौन सा है, P32 वाला, यानी फॉस्फोरस के आइसोटोप वाला रेडियो एक्टिवली लेबल्ड सब्सटेंस उन बैक्टीरिया के अंदर आ गया। और जब बैक्टीरियोफेज ने उसको इन्फेक्ट किया बैक्टीरिया को, तो उसको DNA बनाना है, और DNA का कंटेंट फॉस्फेट होता है। तो अब जब वो फॉस्फेट लेगा, वो कहाँ से लेगा फॉस्फेट, वो तो इस बैक्टीरिया से लेगा ना, क्योंकि वो इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है। सो बैक्टीरियोफेज के अंदर भी क्या आ जाएगा, फॉस्फोरस 32 आ जाएगा सेकेंड स्टेप में। सो सबसे पहले बैक्टीरिया को उन्होंने लेबल कर दिया, फिर उन्होंने किसको लेबल कर दिया, बैक्टीरियोफेज को लेबल कर दिया। अब यहाँ वाले जो बैक्टीरियोफेज थे उनका तो DNA लेबल हो गया, है ना, ये देखो फॉस्फोरस 32 इज टेकन अप इन फेज DNA, क्योंकि फेज के DNA में क्या हो गया, फॉस्फोरस 32 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि उन्होंने उन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सल्फर यूज नहीं किया था, यानी इस साइड पे हमने क्या कर रहे हैं, हम इस साइड पे DNA को लेबल कर रहे हैं रेडियो एक्टिवली, और यहाँ उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पर DNA को लेबल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा फोकस चल रहा है सल्फर के ऊपर प्रोटीन को लेबल करने के लिए। तो इस वाले मीडियम में क्या यूज़ किया था, हमने S35 यूज़ किया था, और ये जो S35 था, अब इधर वाले कल्चर में क्या हो रहा है, जितने भी बैक्टीरिया हमने इस कल्चर में ग्रो किए हैं, वो बैक्टीरिया सल्फर 35 को ले लेंगे, जब वो अपना प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे तो वो सल्फर 35 को ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने मीडियम में जितना भी सल्फर यूज़ किया हुआ है वो आइसोटोप है, S35 है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज से इनको, जब बैक्टीरियोफेज इन वाले बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, तो उनके सल्फर में, उनके प्रोटीन में क्या आ जाएगा, S35 इज टेकन अप इन द फेज प्रोटीन विच कंटेन सल्फर बट नॉट P। तो देखो यहाँ पर DNA लेबल कर दिया, यानी अब जो सेकेंड स्टेप में जितने भी बैक्टीरियोफेज हैं, जिन्होंने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया है, उनके DNA में आ चुका है फॉस्फोरस 32, जो कि एक आइसोटोप है और वो रेडियो एक्टिवली लेबल हो चुका है। इधर वाले ग्रुप में क्या हो रहा है, जितने भी बैक्टीरियोफेज ने इस वाले बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया है, उनके प्रोटीन में आ चुका है S35, जो कि प्रोटीन का आइसोटोप है और वो भी अब रेडियो एक्टिवली लेबल हो चुका है। अब हम देख सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, उसको ट्रेस कर सकते हैं कि वो बैक्टीरिया के अंदर कहाँ जा रहा है। तो सेकेंड स्टेप में हमने ये कर लिया, तो पहले मैंने बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन दिया, यानी बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिवली लेबल किया, फिर हमने बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिवली लेबल किया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, थर्ड स्टेप में मैं लेबल्ड, जो हमारे लेबल्ड, जो लेबल्ड बैक्टीरियोफेज हैं, बैक्टीरियोफेज, उनसे मैं किसको इन्फेक्ट करने वाला हूँ, अनलेबल्ड बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। सो थर्ड स्टेप पे मूव करते हैं।
कि अब उन्होंने हमारा जो मेन टारगेट था बैक्टीरियोफेज को लेबल करना, दोनों साइड में बैक्टीरियोफेज को हमने लेबल कर दिया है। एक साइड हमारा प्रोटीन लेबल हो चुका है और एक साइड हमारा डीएनए लेबल हो चुका है, दैट इज रेडियोएक्टिवली लेबल हो चुका है, मैं उसको इजीली अब ट्रेस कर पाऊंगा। ठीक है, अब थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, ये वाले जो बैक्टीरियोफेज जिनका प्रोटीन लेबल हो चुका है उनसे मैंने अनलेबल्ड बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दिया, और यहाँ पे क्या किया, वो वाले बैक्टीरियोफेज जिनका डीएनए लेबल हो चुका है उनको मैंने किससे कर दिया, अनइफेक्टेड या अनलेबल्ड बैक्टीरिया को हमने यहाँ से इन्फेक्ट कर दिया। अब मैं चलता हूँ अगले पॉइंट पे। ठीक है, ठीक है, आई थिंक ये दिख रहा होगा, विजिबल है, तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, देखो यहां तक हमने अभी फिनिश कर लिया अपना। तीन स्टेप दोबारा रिकॉल कर रहा हूं बेटा, कि सबसे पहले बैक्टीरिया को लेबल कर दिया हमने किसके साथ में, इधर वाले में डीएनए के साथ में लेबल कर दिया और इधर वाले में प्रोटीन लेबल कर दिया। सेकेंड स्टेप में मैंने बैक्टीरियोफेज को लेबल किया, इधर वाले बैक्टीरियोफेज के अंदर अब डीएनए जो है वो लेबल हो चुका है P32 से, और इधर वाले जो बैक्टीरियोफेज हैं उनका प्रोटीन लेबल हो चुका है S35 से। इधर डीएनए लेबल नहीं है, प्रोटीन लेबल्ड है, और इधर डीएनए लेबल्ड है, प्रोटीन लेबल्ड नहीं है। थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, इन वाले बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दिया है, तो अनलेबल्ड बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट करा दिया जिसका प्रोटीन लेबल्ड था। इधर वाले बैक्टीरिया में अनलेबल्ड बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट करा दिया जिनका डीएनए लेबल्ड है, बस प्रोटीन लेबल्ड नहीं है। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था साइकिल, कि बैक्टीरियोफेज क्या करता है, पहले अटैच होता है, फिर डीएनए को इंजेक्ट कर देता है, फिर उसकी मशीनरी को यूज करता है, फिर अपनी प्रोजेनी बैक्टीरियोफेज बनाता है, फिर बैक्टीरिया की सेल को रप्चर कर देता है और बाहर आ जाता है। यानी कि अब यहां से उन्होंने क्या किया, शियर ऑफ प्रोटीन कोट, फोर्थ स्टेप में क्या किया, उन्होंने ब्लेंडर यूज किया, ब्लेंडर में सारा मिक्सचर डाल दिया थर्ड स्टेप वाला, और सारे मिक्सचर को डालने के बाद ब्लेंडिंग कर दी। उससे क्या हुआ, बैक्टीरिया के बैक्टीरियोफेज के जितने भी प्रोटीन कोट थे वो सेपरेट हो गए बैक्टीरिया से, उन बैक्टीरिया से जो थर्ड स्टेप में मैंने बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया है ना, उन बैक्टीरियोफेज में क्या हुआ कि बैक्टीरियोफेज ने जब अनलेबल्ड बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया होगा तो कुछ टाइम के बाद हमने ब्लेंडर यूज किया। ब्लेंडर यूज करने से क्या होगा, क्योंकि भाई प्रोटीन कोट तो बैक्टीरिया के सरफेस पे ही अटैच रह गया ना, और डीएनए अंदर चला गया, तो हमने ब्लेंडर का यूज करके क्या कर दिया, प्रोटीन कोट को सेपरेट कर दिया। अब हमारे पास में क्या बचे, बैक्टीरिया बचे जिनका हमने बैक्टीरियोफेज, मतलब वो बैक्टीरिया बचे जिनके अंदर बैक्टीरियोफेज का डीएनए जा चुका है। फिर हमने सेंट्रीफ्यूगेशन यूज किया। सेंट्रीफ्यूगेशन ये एक टेक्निक होती है जो आपने 9th में पढ़ी होगी, हाई स्पीड पे हमने इसको रोटेशन कर दिया, रोटेट कर दिया, तो इस टाइप का हमें रिजल्ट मिलेगा। देखो यहां पर एक रिजल्ट मिल रहा है आपको और एक रिजल्ट यहां पर मिल रहा है, ये ट्यूब है। अब इस ट्यूब में क्या है, ऊपर की तरफ जो होता है उसको सुपरनेटेंट बोलते हैं और नीचे की तरफ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पैलेट बोलते हैं। ठीक है, सो देखते हैं क्या क्या चीजें हो रही हैं। लास्ट स्टेप में ये रिजल्ट है, इसको आपको समझना है। ठीक है, यहां से हमने प्रोटीन कोट सेपरेट कर दिए, और जो प्रोटीन कोट हमने सेपरेट किए थे, जो प्रोटीन कोट हमने सेपरेट किए हैं उनको बोलते हैं प्रोटीन घोस्ट, प्रोटीन घोस्ट बोलते हैं, है ना। तो यहां से हमने प्रोटीन कोट सेपरेट कर दिए। अब इस वाले पार्ट में आप देखना कि ये वाला जो मेरा पार्ट है, इतना पार्ट, ये क्या है, ये प्रोटीन कोट वाला पार्ट है। तो इधर हमने क्या किया था, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन S35 इज रिकवर्ड इन द फ्लूइड कंटेनिंग द वायरस कोट। तो ऊपर वाले पार्ट में क्या है, वायरस कोट है, और नीचे वाले पार्ट में क्या है, वो हमारे अनलेबल्ड बैक्टीरिया हैं जिनको हमने लेबल्ड वाले बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट किया था। बट याद करो यहाँ पे क्या है, प्रोटीन तो लेबल है बट डीएनए अनलेबल्ड, प्रोटीन लेबल्ड डीएनए लेबल्ड, डीएनए अनलेबल्ड है प्रोटीन लेबल्ड है। तो ऊपर वाले पार्ट में क्या है, प्रोटीन कोट्स हैं सारे, और जितने भी रेडियो एक्टिविटी थी, जितने भी आइसोटोप जो हमने रेडियो एक्टिवली लेबल किया था
S35 को, वो कहां पर मिल गया? वो तो आपको ऊपर ही मिल गया, नीचे तो कुछ गया ही नहीं। जो अंदर इन्फेक्ट हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, नए प्रोजेनी आ रहे हैं, उनके अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हमने प्रोटीन को रेडियो एक्टिवली लेबल किया था। अगर प्रोटीन नए प्रोजेनी बनाने में हेल्प करता और प्रोटीन अंदर जाकर वो नए प्रोजेनी बना रहा होता तो नए बैक्टीरियोफेज के अंदर क्या आ जाता? प्रोटीन आ जाता। नए बैक्टीरियोफेज के अंदर रेडियो एक्टिवली लेबल सब्सटेंस आता। क्यों आता? क्योंकि हम इस वाले एक्सपेरिमेंट में प्रोटीन को रेडियो एक्टिवली लेबल करके चल रहे हैं। और जब वो बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो उनके अंदर क्या होना चाहिए था? नए वाले प्रोजेनी के अंदर आपका क्या होना चाहिए था? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे सारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऊपर ही मिल गया, प्रोटीन कोट्स में ही मिल गया। इससे प्रूफ हुआ कि डीएनए अंदर नहीं गया, क्योंकि नए प्रोजेनी में कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं मिल रहा। अब इधर क्या हुआ? इधर के रिजल्ट में जो ऊपर प्रोटीन कोट थे, ये वाले प्रोटीन कोट हैं ऊपर वाले में, तो यहाँ पर तो कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं मिल रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रोटीन को लेबल नहीं किया। इधर क्या चल रहा है हमारा? प्रोटीन तो अनलेबल्ड है और डीएनए क्या है? लेबल्ड है। तो इधर क्या चल रहा है? इधर हमने डीएनए को लेबल किया, प्रोटीन को नहीं लेबल किया। तो जितने भी प्रोटीन कोट थे वहां पर आपको क्या मिला? बिल्कुल भी डीएनए के अंदर या प्रोटीन कोट के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। जब सारी रेडियो एक्टिविटी कहाँ मिली? नीचे वाले पार्ट में, यानी कि जब इधर वाले बैक्टीरियोफेज ने इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया होगा तो सारी रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया के अंदर मिली, और जो नए प्रोजेनी बने उन सब के अंदर भी रेडियो एक्टिविटी मिली। और यहाँ पर तो हमने डीएनए को रेडियो एक्टिवली लेबल किया था, प्रोटीन को नहीं किया था। यानी कि डीएनए जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो अंदर गया है और नए प्रोजेनी बने हैं, और नए प्रोजेनी के अंदर भी वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिल रहा है। और वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या था? फॉस्फोरस था। और वो किसके अंदर मिलता है? डीएनए के अंदर। इट मींस कि डीएनए ही बैक्टीरियोफेज के अंदर गया था और उसी ने नए प्रोजेनी बनाए और उसके अंदर हमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिला। तो इस एक्सपेरिमेंट से बेटा हर्शे एंड चेज ने प्रूव कर दिया कि यस, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको क्विकली आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़िएगा रिवाइज करके, अगर नहीं समझ में आया लेट अस रिकॉल इट इन वेरी क्विक मैनर। सबसे पहले हर्शे एंड चेज ने क्या किया? दो साइड में बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया। सबसे पहले बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिवली लेबल किया, इधर वाले बैक्टीरिया को प्रोटीन का लेबल किया और इधर वाले बैक्टीरिया का डीएनए P32 से लेबल किया और इधर S35 आइसोटोप से लेबल किया। सेकंड नंबर पे बैक्टीरियोफेज को लेबल किया। अब जो नए बैक्टीरियोफेज आए, इनका प्रोटीन लेबल हो गया और इनका डीएनए लेबल हो गया। थर्ड नंबर पे जो अनलेबल्ड बैक्टीरिया थे उनको बैक्टीरियोफेज से जो कि लेबल्ड है उनसे इन्फेक्ट करा दिया। और फाइनल रिजल्ट क्या आया? इधर के प्रोटीन कोट में कोई रेडियो, इधर के नए प्रोजेनी में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, जो कि हमें ये इंडिकेट करती है कि प्रोटीन अंदर नहीं गया, प्रोटीन का नए प्रोजेनी बनाने में कोई भी रोल नहीं था। इधर की एक्टिविटी क्या शो करती है? इधर जो नए बैक्टीरियोफेज मिले, प्रोजेनी बैक्टीरियोफेज के अंदर रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस मिला। इट मींस कि डीएनए ही था जो अंदर गया बैक्टीरिया के अंदर और उसने नए प्रोजेनी बनाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो दोबारा से देखिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक को मेंशन कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।